गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आज तो चैप्टर खत्म ना सर। सर ये क्या क्या चल रहा है, ये सिलिकॉन्स का क्या थोड़ा अग्रा है, सिलिकेट्स सिलिकॉन्स जो भी वगैरह, जो पूछने वाला चीज है वो भी नहीं याद हुआ। सर बोले वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस याद रखने कितने शेयरिंग होते हैं। ओम प्रकाश 23, ओम प्रकाश ने कंप्यूटर साइंस सीएस 23। नेक्स्ट में सिलिकॉन्स, सिलिकेट खत्म हुआ, उसी जैसा एक सिलिकॉन्स है। सिलिकॉन का यूज तुम लोग को पता ही होगा, कहाँ कहाँ करते हैं, सोलर पैनल्स में, सिलिकॉन वैली में, हो गया। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, कहीं पे यूज कर दो हो जाएगा ना। देखना जो सिलिकॉन्स होते हैं ना, प्रेशर कुकर की जो रबड़ होती है वो सिलिकॉन्स के बने होते हैं, कॉस्मेटिक सोलर पैनल उसकी वजह से महंगा हो जाता है। क्या बोल रहे हो, सिलिकॉन इतनी इलास्टिक होती है तो रबड़ की नहीं होती ऐसा सर, तो सोलर पैनल्स में यूज होता है, वो अलग होता है। हाँ वो हाई ग्रेड सिलिकॉन ऐसा कुत्ता। हाँ वो टेंथ के फिजिक्स हो गया ना सर। हाँ आपने कुछ लिखा है अभी तक? अरे यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, सिलिकॉन तो लिखवाया, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। कहाँ कहाँ यूज करते हैं अभी कुछ लिखवाया नहीं है ना। सेमीकंडक्टर में यूज होता है, सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, सॉलिड लिक्विड बन गया। क्या सेल में बैटरी में इसका होता है किसी? हाँ उसमें भी कहीं कहीं यूज किए जाते हैं थोड़े। ऑर्गेनो पॉलीमेरिक सिलिकॉन्स, ये सॉलिड भी बन गया, लिक्विड भी बन गया, इलास्टिक भी बन गया, बिल्कुल। काफी पैसे हैं इसमें, खोलना है फैक्ट्री सिलिकॉन्स की। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, लिंकेज होते हैं इसमें ना, और कॉल्ड सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ये समझना, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड। काफी सिंपल है, अगर कार्बन की बॉन्डिंग, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, ऐसे लिख देता हूं मैं, CH3MgBr। जब भी मेटल की बॉन्डिंग अगर कार्बन के साथ होगी, मेटल की बॉन्डिंग अगर कार्बन के साथ होगी तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। हाँ तो कहीं पे भी यूज करेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसका मतलब है कि वहां पे कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, मेटल के साथ हो रही है। हाँ पर्टिकुलर पहले भी कहीं बताया था ना। हाँ RMgX, R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, कार्बन चेन। हाँ भाई कार्बन से स्टार्ट होगा। हाँ तो पर्टिकुलर इस रिएजेंट को ना अपन ग्रीक नाइट रिएजेंट के नाम से जानते हैं, ग्रीक नाइट। सर आर को कि RMgX को? RMgX, अब अल्काइल हो गया ना। हाँ भाई तो ग्रीक नाइट रिएजेंट आते और गेनो मेटेलिक कंपाउंड में, ठीक है। एक होता है R2Cu, ये भी ग्रीक नाइट रिएजेंट ही है, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से लगे होते हैं, इनको गिलमेंस रिएजेंट बोलते हैं। गिलमेंस ये सब नाम के पूछते हैं ना, हाँ नाम के अकॉर्डिंग है अपने को मतलब है, पूछते नहीं है ना। नहीं नहीं नाम नहीं पूछते हैं, ऑर्गेनिक में यूज होते हैं वो। मैंने ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दिया, दोनों में क्या है, इसमें कॉपर बॉन्डेड है, इसमें एमजी बॉन्डेड है, तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, मेटल की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, कार्बन के साथ होगी।
ठीक है। अब आपके पास अगर सिलिकन से जिसके अंदर क्या क्या है, एटलीस्ट ये वाला तो होना ही चाहिए। और आपको पता है कि सिलिकन जो होते हैं वो कितने बॉन्ड बनाते हैं? चार। मतलब एटलीस्ट ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पॉसिबल स्ट्रक्चर आप देखो तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, सिलिकन अगर चार बॉन्ड बनाते हैं तो आठ लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहे, सिंगल एक साथ चार बॉन्ड बनाना, कैसे भी बनाओ चार बॉन्ड नहीं बनाते, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी होता है सिलिकन्स के, इसका मतलब चारों चारों सिंगल बॉन्ड होंगे। एक पॉसिबिलिटी ये होगी, दूसरा कैसे बना सकता है, आर हो गया दूसरा सिलिकॉन के लिए भी, फिर ये ओ आर लग जाएगा ऐसे, सॉरी ओ एस आई नहीं ना ओ एस सर आई। हाँ, ये जो दूसरा वाला सिलिकॉन उसके लिए भी आर आर आएगा ना? अब दूसरे सिलिकॉन ले लो या पहले सिलिकॉन के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए देखना है ना पॉसिबल स्ट्रक्चर। सर मतलब ये इंडिविजुअल नहीं होता, ये भी चेन ही होती है पूरी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक सिलिकॉन को आप यहाँ पे टारगेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, या तो तीनों तरफ से आर लगाओ, या फिर दो तरफ से आर लगाओ और एक नीचे फिर क्या हो ओ एस आई लगाओ, या फिर थर्ड में क्या हो सकती है एक ही आर लगाओ बाकी लगाओ चारों साइड। हाँ तो ये भी पॉलीमर फॉर्म में होते हैं, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकते हैं इसके ना, नोट करिए। वो जीरो साइड आर वाला सेम दूसरे वाले के लिए भी होता है ना? हाँ दूसरे वाले के लिए भी बिल्कुल सेम होगा, वो भी चार बॉन्ड बनाएंगे, तो या तो आप उसको ऑक्सीजन के साथ बना दो या फिर आर के साथ बना दो। यहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा दोनों वैलेंस से सेटिस्फाई होते हैं, डबल बॉन्ड में नहीं आएगा, उन दोनों के बीच में आएंगे। पर सिलिकॉन और कार्बन मतलब एक ही ग्रुप में तो आते हैं, तो फिर वैसा ही क्यों नहीं क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज वो सब डिस्कस करते हैं। कहाँ सिलिकॉन? अरे जैसे CO2 मतलब दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, वैसा क्यों नहीं है इसके साथ? उसके पास यहाँ पे अब अगर अपने पास CO2 है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना ये 2p pi और 2p pi के बीच में बनता है, तो सेम एनर्जी और वाइटल वाले के साथ बॉन्ड बनती तो स्टेबल होता है। लेकिन आप बनाने के लिए जाओगे तो इसके पास तो 2p वाला होता है और इसके पास 3 वाला होता है, तो 2-3 में बॉन्डिंग अस्टेबल नहीं होती है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। हाँ इसलिए SiO2 का फॉर्मेशन वैसे नहीं होता है। बाकी SiO2 पॉलीमर फॉर्म में बना सकते हो, चार ये सही है कहना बोलता हूं तो पॉलीमर बन हो गया सर। सर को लास्ट वाले स्ट्रक्चर बनाना बाकी है, बना लो। अभी खत्म नहीं हुआ, आज खत्म। जियोलाइट्स भी पढ़ाओगे इसके बाद क्या? जियोलाइट्स हाँ कि नहीं? चलो वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है सर। ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इससे। देखो फर्स्ट टाइम ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ऑर्गेनिक, लेकिन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे आसान ऑर्गेनिक होगा। फर्स्ट टाइम में पूरा कैलकुलेशन ऑर्गेनिक बिल्कुल सिंपल हो गई, क्योंकि सबका एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे आपको पता है कि अल्कोहल में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाओगे तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। हां सर, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड। तो वैसे ही बहुत सारे आपको रिएजेंट मिलेंगे, लेकिन सबका एक स्पेसिफिक वर्क होगा। ओके, इसलिए यहां पे खुद भी हो सकता है प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन। कौन सा सिलिकॉन? जो बनते हैं सब बना लेंगे ना, सिलिकॉन सर प्रिपेयर्ड भाई। हाइड्रोलिसिस फॉलोड भाई।
पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक क्लोरो सिलिकॉन. क्या बनाना क्या मैंने कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं चार ये सॉरी सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाते हैं चार बॉन्ड बनाते हैं ना चार. तो देखो अब मैंने लिखा है यहाँ पे कि सिलिकॉन्स का जो प्रिपरेशन होता है वो किससे होता है ये तीनों जो लिखे गए ना आपको यही अपने पास क्या है ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन्स है ऑर्गेनो सर इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन्स है ना ये क्लोरो लगा हुआ है सिलिकॉन इसमें तो ऐसा लिखा है डेफिनेशन में SiO होना चाहिए SiO Si इसमें तो ये मैंने बोला इससे बनता है अभी थोड़ी बना दिया मैंने ओ हाँ ठीक है मैंने वही लिखा मैं बोले इससे बनता है वो तो चार बॉन्ड बनाता है क्लोरीन और R होता है इसका मतलब क्या हो गया अगर तीन R लगा रहे हो तो एक क्या लगाओगे Cl आप लगाओगे हाँ सर ठीक है दो दो एक तीन तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है RX SiC 4 minus X RSiCl 4 minus SiCl X हाँ सर यही होगा ना यही होगा नोट करो उसके बाद अभी बनाते हैं मैंने लिखा है ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन से ना उसका जनरल फॉर्मूला है ना हाँ ये हाँ उसका जनरल फॉर्मूला ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन का सिलिकॉन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस मतलब इन तीनों का अगर अपन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा सिलिकॉन्स बनेगा मतलब इन तीनों का हाइड्रोलिसिस करेंगे सर पर सिलिकॉन ही नहीं सिलिकॉन कैसे हुआ ये मेरे को तो वही समझ में नहीं आ रहा ऑक्सीजन अभी बनेगा इनसे अरे पर सिलिकॉन नाम ही नहीं डाल सकते ना सर अभी आप लिखवाओगे ना प्रोसेस की इतना ही है हां नहीं नहीं अभी इसके बाद लिखा रहे हैं ना तो बस अमन पेशेंस रख मैंने बोला इन तीनों से बनते हैं और इन तीनों को क्या बोलते हैं ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन्स बोलते हैं और इससे जो बनेगा ना वो सिलिकॉन्स होता है ओके हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन ऑर्गेनो क्लोरो सिलिकॉन्स ठीक है अगर आपके पास R3SiCl है H2O आपको सबसे पहले क्या करना जितना आपके पास Cl है सबको हटा के क्या लगाओगे OH स्ट्रक्चर भी सबका बनाना है SiCl2 अगर आपने H2O Cl बाहर गैस सर जनरल फार्मूला से लिख दो ना R4 minus X SiOH लिख दो हां वही हो जाएगा R क्या हो जाएगा RSiCl3 H2O तो ये R हो गया Si हो गया OH होल प्राइस नॉट हो गया सर क्लोरीन गैस निकल जाता है ना क्या बोल रहे हो क्लोरीन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है ना क्लोरीन गैस नहीं HCl सैचुरेशन करेंगे ना अरे आपने तो नहीं किया शायद आपने किया क्या बोल रहे हो मैंने तो नहीं किया ये वही वही आप करते तो दिखता है वो कर्जर हटाओ सर आप वो क्लियर ऑयल व्यूअर्स ड्राइंग्स कर दो अरे ये किसने किया सर ये मैं देखो सर कोई सर्दी कर रहा है ईजान होगा आपके पास तीन दिए गए थे
मान लो ना आपके पास R3SiCl है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और हाइड्रोलिसिस अपन ने करवा दिया, तो ये दो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? Si RSiOH. अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक H2O जो होता है इसमें ना, इसके स्ट्रक्चर के बाद कंडेंसेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ अ स्मॉल ग्रुप रिड्यूसिंग पॉलीमराइजेशन. जब ये पॉलीमर फॉर्म में आएगा, जैसे देखो R3 है तो R3 को आप क्या लिख सकते हो? R हो गया, Si हो गया, R हो गया और R हो गया. बीच में क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा. इसका दूसरा मॉलिक्यूल लगाओगे तो उसका भी HO SiR. तो बीच से एक H2O किसी का निकाल लो, इसका OH, इसका H. तो O एक का देखो R3 है ना टोटल, तो R3 लिख दिया, Si है, O है, Si, और ये क्या हो गया? मैंने क्या लिखा है? बोले पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है ना. सर तो उसमें सही है, सही है, मतलब वो जो प्रोडक्ट बनने के बाद चेन बने उसमें से प्रोडक्ट बनने के बाद. हाँ, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप्स during polymerization, बहुत small group होगा. तो ये क्या जो लिखी definition किसकी है? Condensation. Definition नहीं है, बस definition नहीं है, diagram का रिप्लाई. Okay. उस diagram को define किया है इधर मैंने. Define का. Diagram बनाते हैं. इक्वेशन में तो आपने SiCl है, डायग्राम में तो कहीं है ही नहीं. पूरा प्रोसेस का है जो फाइनल वही दूसरा रिएक्शन है. अच्छा प्रोडक्ट का ये बनाया ना? नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया. तो भी हटा दो, ये बाकी की तरह डायलॉग का बोल रहा है. वही अभी तो स्टार्ट नोट करने दो उसको ना. फिर बोलेगा अभी तो मैंने स्टार्ट किया है. या नोट करना वाला पार्थ क्या? मैं तो नोट का ही बोला. तुमने कहा बोला पर तुमने तो पूछा. हो गया नोट सर? नहीं सर, वर्ष बहुत तेज हो रखा है. मतलब यार लिखने के बाद मैं शांत रह सकता हूँ, तुम लोग नहीं रह सकते. हो गया, तेरा भी नहीं हुआ था, बाद में बोलता है हटा दो. सबका हो गया क्या? हाँ सर. देखना अपने पास टोटल 3 बन रहे थे, RSiCl3. बाकी सब कभी ऐसे ही बनता ना. और कौन कौन से बन रहे थे? R2SiCl2 RSiCl3 R3SiCl. वो तो बना दिया. अगर यहाँ पे आपने H2O लगाया तो ये क्या बन जाएगा? RSiOH. अगर अब आप यहाँ पे फिर से पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन करवाओगे, पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन रिएक्शन, दोनों अलग अलग प्रोसेस है ना, कि एक प्रोसेस का इतना बड़ा नाम है क्या ये पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन? पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे ना. तो देखो एक ये मॉलिक्यूल हो गया, R हो गया, Si हो गया, एक OH अपन यहाँ रख देते हैं, एक OH इधर ले लिए और एक OH ले लिए. जब बाकी दो के लिए जगह ही नहीं रहेगी क्या? वही बाकी दोनों के लिए जगह नहीं रहेगी, ऐसे टेबल में नहीं बनेगा हमारा. ये समझाने के लिए मैंने बस ये लिखा, पूरा नहीं बनाने वाला हूँ इसका. तो जितना ऑक्सीजन है ना उसी से क्या हो जाता है, वो अटैच हो जाता है.
आगे जो बनाएगा वो निकालेगा ना, तो बॉन्ड तो उसी के बीच में होगी ना, तो इसलिए डॉटेड करके मैंने, अगर इसमें आपने H2O लिया ठीक है सर, पर मतलब उसमें जब ऑक्सीजन नहीं, वो दूसरे वाले से हाइड्रोजन लगा ना OH तो होगा उसके साथ, तो एक ऑक्सीजन बीच में बच ही जाएगा ना। हाँ 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 बच जाएगा। तो ये R2 हो गया, ऐसा ही OH हो गया, फिर से ये वाला रिएक्शन डॉटेड डॉटेड में ऐसा ही है ना सर। हाँ हाँ आगे भी ऐसे ही होंगे, O होंगे फिर सिलिकॉन के साथ H2O। अगर यहाँ पे फिर से पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन रिएक्शन करवाओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऊपर R नीचे SI और ये R। अब H2O इसके इधर इधर लगेगा, मतलब यहाँ पे ऐसे अटैच होते जाएंगे ये, और वहां पे वैसे क्या हो गया, R3 हो गया, SI OH हो गया। सो ये तो बना लिया, ये बना दिया था। हाँ इसके ऊपर ही तो बनाया था पूरा, कोई नहीं एक साथ बनाए तो ये भी बना दो, बस ऑक्सीजन ये हो गया। इस वाले का नाम क्रॉस लिंक यूनिट बोलते हैं इसको, डबल फॉर्मिंग यूनिट बोलते हैं, चेन फॉर्मिंग यूनिट बोलते हैं, और इस वाले को चेन टर्मिनेटिंग यूनिट, क्योंकि इस साइड से ब्लॉक हो रखा है। याद रखना आर जो होगा ना, कोई भी अपने टाइप देना, CH3 टाइप सकते हो, H3 टाइप सकते हो, या बेंजीन। सर क्या क्या टाइप सकते हैं? CH3 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ईटी क्या होता है वो बता देना। ईटी इथाइल। ओके। C2H5 ना? C2H5 हाँ। CH3 मिथाइल और ये बेंजीन है। सर प्रोपाइल पेंटाइल ये सब? नहीं। उनसे उनसे नहीं बनता है। दो मिनट रुकना। हो गया सर नोट। हाँ सर बता दो। रुको सर आओ भाई। और सर संडे को तो मजा आएगा। क्या बोल रहे हो? संडे आ रहा है ना, ऐसे भी मजे ही है, मजे का बर्थडे भी आ रहा है ना। अच्छा मुझे लगा क्रिकेट खेलने जाने वाले हो इसीलिए बोल रहा है। वो तो अभी थोड़े दिन वापस शुरू करेंगे एक बार। रोका क्यों था? मितेन की वजह से? हाँ हाँ सर हटा दो, उम्मीद मत रखना वो आएगा भी नहीं शायद। रिएक्शन है वो लिख देता हूँ मैं, अगर आपने रिएक्शन ना इसके साथ करवा दिया सिलिकॉन प्लस RCL के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर होता powder, है 570 केल्विन पे, तो ये ना R2 SiCl2 बनता है, वो तीनों कंपाउंड बन जाएंगे ना, RSiCl3 बनेंगे। ये तो शॉर्टकट है। हां SiCl आगे CO पाउडर अलग अलग है कि वो CO पाउडर ही है? CO पाउडर है ना। सर उसका नाम क्या था तीसरे वाले का? इसका तीसरे वाले का चेन टर्मिनेटिंग। अब देख रहा हूँ एक और पॉसिबिलिटी है ना कि आर नहीं लग करके चारों के चारों क्या लग जाए सीओ, तो चारों के चारों आर नहीं लगते। अगर चार ही बॉन्ड बनाता है ना तो दो लग सकते हैं, एक लग सकते हैं, तीन लग सकते हैं, ठीक है चारों के चारों आर आर फोर एस आई 0.7% बनता है, इसलिए बोला नहीं बना ये 70%। आर में क्या क्या बोला था? 20% इथाइल बेंजीन और ये 10%, ठीक है मन करे तो वो भी बना लेना। चलो R4SI 5% है 100। अच्छा ये सही में होता है 5-5? अरे 5 से भी थोड़ा कम होता है, मतलब SiCl4 थोड़ा ज्यादा होता है।
दोनों को नेगलेक्ट ही किया जाता है तो पांच पांच होता है. बेंजीन इथाइल तो 5% है तो भी नेगलेक्ट किया जाता है. एवरेज लेके 20-20 से दे देते हैं आपको. मोस्टली यही तीन दिए जाएंगे, मतलब 2, 1 और 3 वाला. 5% हो गया. तो इसमें कॉपर का क्या होता है? मेरे को तो कॉपर कहाँ उठ जाता है? कॉपर बस कैटलिस्ट है और वो उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सीएल का उठ जाता है. हाँ, सीएल तो एचसीएल की तरह निकलता है. वो सर ने बताया ये सीयू का क्या, ये सीयू सीएल टू की तरह निकलता है सर. हाँ सर, ये बाई कॉम्पैटिबल क्या होता है? बाई बायोकॉम्पैटिबल मतलब बायो के व्यू से यूज किए जाते हैं हाइड्रोजन को. हाइड्रोजन वाले चैप्टर में था क्या? नहीं नहीं, यही चैप्टर एनसीईआरटी में है. अच्छा, मतलब वो बायोलॉजी के टर्म से या फिर बायोलॉजिकल टर्म में जो भी यूज किए जाते हैं ना एनवायरमेंटल बारे में चीजों में, उसमें आगे लिखा है कि बीइंग बायोकॉम्पैटिबल दे आर आल्सो यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स. तो वही हुआ ना, सर्जिकल वगैरह इन सबों में यूज करते हैं, मतलब वो किससे रिलेटेड है जो भी बता रहा है उसमें हर एक चीज का दो दो मतलब है, मतलब सर्जिकल प्लांट सब. हाँ वही सर्जिकल प्लांट. बायो बेटा चीन में बताएगा ना इसको. मैं क्यों बताऊंगा? मैं उसी इस बात का इंतजार कर रहा था कब सर बोले. ये नोट हो गया इंतजार कर रहे थे. अच्छा, ये नोट हो गया. Yes, sir. एक बार चलो देखना, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट पे ना वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स होते हैं, लेकिन ये उसी की तरह चलेंगे सर. इसके बाद तो तीन टाइप के होते हैं ना सिलिकॉन, तो तीन चार ही टाइप के ये भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन. खत्म नहीं है क्या? बार भी वाले से ना इसके टाइप में से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन सिलिकेट वाले से वो पूछे जाते हैं शेयर्ड अनशेयर्ड जनरल फार्मूला. डिस्टेबल बनवाए वो सिलिकॉन्स. सबसे पहला डाई सिलिकॉन मतलब किसकी तरह होगा? पायरोसिलिकॉन की तरह. जैसे उसमें पायरोसिलिकेट होता है ना. हाँ, इसमें दो होते थे ना. हाँ, इसमें भी वैसे ही दो. तो स्टार्टिंग यूनिट जो इसका होगा. इसमें क्या शेयर होता है? शेयर तो वही होगा ना, एल बीच में SiOSi का लिंकेज होगा. एक स्टार्टिंग यूनिट इसमें R3SiCl. तो देखो R3SiCl हाइड्रोलिसिस अपन ने करवाया, क्या बन गया? R3SiH पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन रिएक्शन होगा. तो R हो गया SiO, हो गया R, हो गया बीच में एक सिलिकॉन ऑक्सीजन. क्या होगा? दोनों तरफ से शेयर्ड होगा. नोट कर लो. तो सर ऑक्सीजन ही शेयर होगा. हां तो पर वो डैडी लैपटॉप ये R3SiCl वो तो क्लोरोसिलिकॉन है ना. हां भाई, हां वो सोचा मैंने. सेकंड लिख देता हूं यहां पे. सिलिकॉन के बाद कुछ और है? सिलिकॉन्स के नहीं, ये लास्ट है. जियोलाइट्स वो तो बिल्कुल छोटा है. मतलब जब सिलिकॉन थ्री डायमेंशनल में होता है ना, तो खुद सिलिकॉन को निकाल करके एल्युमिनियम लगा दिया जाता है, उससे जो बनता है उसी को जियोलाइट्स बोलते हैं. साइक्लिक सिलिकॉन इज लाइक साइक्लिक सिलिकेट. साइक्लिक सिलिकेट की तरह ऊपर पायरोसिलिकेट नहीं होगा? अब वही पायरोसिलिकॉन या पायरो सिलिकेट्स. साइक्लिक सिलिकॉन सिलिकॉन लाइक साइक्लिक सिलिकॉन लिख दिया सर. साइक्लिक सिलिकॉन क्या बोल रहे हो? प्यूस लाइक साइक्लिक सिलिकॉन मतलब सेम ही लिख दिया था. गलत लिखा है ना, पीयूसी ऐसा कर सकता है. स्टार्टिंग यूनिट जो होगा एक ही चीज है, R2SiCl2 NR2SiCl2 NH2O
पॉलीमर फॉर्म में दिखाना, NR2 और ये यहाँ पे SiOH, SiOHN N2N twice. कैसे हो जाएगा यहाँ पे, अगर N की वैल्यू 3 रखे तो यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, ऐसा ही हो गया ऊपर में यार, नोट करो ऊपर बनाते हैं, ये तो हो गया N की वैल्यू 3 नोट कर लेना. हाँ यहीं से स्टार्ट करेंगे. मुझे नोट ही नहीं करने देते हो, सबका हो गया क्या? नहीं नहीं चिन्मय हो गया तेरा सही में? हाँ सर हो गया. फोटो लिख रहे ना ये क्या फोटो चाहिए? अरे चलो देखना नोटबुक. जब n इक्वल टू अगर 3 रखे अपन तो ऐसा ही हो गया, R हो गया, R हो गया, OH तो दो हैं अपने पास, OH एक सिलिकॉन यहाँ पे ले लिया, इसका OH, OH, R, R, ये OH. इसमें तो कुछ शेयर ही नहीं हो रहा है. अभी बनाएंगे ना, बनाया नहीं है ना. बेच तो और टाइम के. सर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हाँ इसीलिए तो अभी छोड़ेंगे. मैंने तो लाइन में बना दिया. यस लिखो ऑक्सीजन आर आर. ये तो साइक्लो बेंज, इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं क्या बोलते इसको? इनऑर्गेनिक बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आते हैं. इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट BN होता है ना? हाँ. इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है सर? B3N3H6. बोराजीन या बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन. बोराजोल. हाँ वो भी होता है. जोल है बहुत. तरी OH और HSO होता है. उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किसी का भी निकाल सकते हो, मतलब H2O निकाला अपन ने. तीन H2O. रुकना अभी आधा घंटा कम से हो गया सर. अबे रुको कहा लिखते हो तुम लोग. फोटो खींचा होगा तो वो अपना फोन लेके आ जाएगा, ये लैपटॉप स्क्रीनशॉट दिखाने की. फोन तो जाने से पहले यही सबमिट कराना ना, क्लासरूम में जाने से पहले. क्या सर? क्लास के अंदर तो फोन लेकर कहीं नहीं जाने का है, यहाँ पे सबमिट कराओगे ना तुम लोग. सर ऐसी सिस्टम क्यों? वही सर, ऐसा एग्जाम हॉल नहीं है. 10th में तो ऐसा नहीं था. वो तो 10th में थे ना. अमन तो फोन लाता था. हाँ कभी कभार. इसको हटा दूँ? हाँ हाँ सर. चलो इसके बाद देखना. सर 5 मिनट के बाद किया है, रिज्वाइन कर लें. हाँ रिज्वाइन नहीं अभी हो जाएगा ना, इसमें एक दो निपट जाएंगे. ओके तो रिज्वाइन नहीं करना है. रिज्वाइन नहीं करना है ना, मतलब 5 लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं. हर कोई निपटना इस मीटिंग में. निपटना तो उदय ये मतलब टॉपिक से. ए रुको, ये एक बार तो इससे बनाया, वापस क्यों बना रहा है इसी से? R2SiCl2 सर विस्तार में भी वो NR2SiCl2 था. याद करो वो सिंगल चेन सिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट दोनों में दोनों शेयरिंग होते थे. तो इसमें भी सिलिकॉन की कदम हो गया, ऐसा ही हो गया. आ रहा ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा ना. सर इसमें एक ही है ना ये? क्या
हो गया नहीं नहीं सर ये टन टन तेज हो गया लास्ट वाला कौन सा टर्मिनेटेड ऑर्थो सिलिकॉन नहीं होता ऑर्थो सिलिकॉन टर्मिनेटेड ऑर्थो सर हाँ यार ये तो तीसरी बार बना रहे हैं तीसरी बार बनाओगे सही रहेगा ना यहाँ पे जो एन अभी यूज करेंगे ना ये क्या होगा स्टार्टिंग मटेरियल इतना बड़ा था प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट तो छोटा ही होगा इसको हटा दूं क्या नहीं सर और हटा दो हां सर नीचे वाला भी नीचे वाला भी चौथा पॉइंट नीचे वाला भी बस बस सर अभी मत हटाना ऊपर वाला देखना अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं अगर नंबर ऑफ सिलिकॉन जो है नंबर ऑफ एसआई हां सर ये 2R3SiCl2 में पांच बॉन्ड नहीं बन गए RSi के R3SiCl2 है ना वो R क्या आ जाएगा अपने पास CL add to देखना वो CL2 number of silicon अगर तीन है अपने पास R हो गया SI हो गया R हो गया R ये बीच में लगा यहाँ पे oxygen SI R R O अगर इसको stop करना है तो आगे पीछे तो आपको at least ये लगाना पड़ेगा ना chain terminating वाला R3SiCl कितना यूज हुआ है दो हुआ है ना हाँ इसलिए n माइनस अगर n माइनस 2R2SiCl2 ये देखो ऊपर नीचे R R इधर OH OH लगा होगा तो अगर तीन सिलिकॉन है तो एक यूज होना चाहिए तो एक यूज हुआ है ना सर मैं आया आगे भी आप बढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं एक और n इक्वल टू 4 के लिए मतलब दो हो जाएंगे वो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितने हो गए 4 तो वो आर हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा ऊपर आर नीचे आर यहाँ पे ये कार्बन जैसा ही हो रहा है हाँ उसी जैसा होगा ये ऐसा ही हो गया आर हो गया आर हो गया ऑक्सीजन लास्ट में अगर अपने को इसको स्टॉप करना है तो क्या आ जाएगा एक ये लगा आर थ्री वाला और एक ये लगा और दो क्या लगे हैं अपने पास आर टू SiCl2 तो एन की वैल्यू 4 है तो 4 - 2 2 ये वाला यूज हुआ 2 तो ये तो परफेक्ट है ना बिल्कुल आगे पीछे रोकने के लिए नोट कर लो अरे ये मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर ये नंबर ऑफ SI इज इक्वल टू 3 के बाद ये जो स्ट्रक्चर ना मतलब इसमें OH का है OH का है वो पॉलीमर फॉर्म में बनाया था मैंने हटा दिया निकल गया ना तभी ये बॉन्ड बनाओगे ना अच्छा OH को निकाल के ठीक है सर रुको है चार वाला बनाना बाकी है मैं डिस्कनेक्ट हो गया बना दे तीन वाले में जब आप स्टार्टिंग आया स्टार्टिंग से बनाओगे ना तो ऐसा दिखाई पड़ेगा ना ये तो ऊपर आर और ये OH अगर फिर ये R2SiCl2 यूज करोगे तो OH हो गया SI हो गया R हो गया आर और इधर OH तो यहाँ से एक क्या होगा निकलते जाएगा समझने के लिए जगह नहीं बची ये टाइम भी नहीं लाल वाले के लिए ये लास्ट वाला तो समझने के लिए था बस
गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. वो लास्ट वाला समझ में आ गया था या फिर से बनाऊं अभी? रेड कलर से बनाया था वो बनना है कि नहीं? नहीं 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 वो नहीं बनाना था. वो समझने के लिए तो दिखाया था कि ये थोड़ी कर लेगा है तो समझ में तो फिर से भी अपन बनाते तो बोलने तो नहीं नहीं सर फिर से बनाना तो लास्ट वाला सबको समझ में आ गया? यस सर. चलो एक और होता है ना भाई मैं सर उसमें आपने सर्कल्स बनाया नहीं था ना तो हम भी बना दे. और तो अब बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. क्रॉस लिंक पॉलीमर n = 3 वाले में तो सब में बनाए थे. स्टार्टिंग यूनिट और में दो में बनाए थे हम. r = cl3 हो जाएगा. क्रॉस लिंक याद है ना सबसे पहले स्टार्टिंग के r हो गया si cl3 तीन जगह से खुला तो r si oh हो जाएगा. ठीक है अगर ये बनाने के लिए जाओगे तो कैसे हो जाएंगे आर एस आई ओ एच और ये ओ एच दूसरा वाला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा एच ओ यहाँ पे क्या है एस आई ओ एच ओ एच एच टू ओ एच टू ओ आपको निकालना है बस ना बीच से सर वो साइड बाहर रह गए. किसी का भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. इधर नीचे तो ये लास्ट टाइप है ना. हाँ ये लास्ट है. आर हो गया हो गया हो गया हो सर सर आपने एक मिनट पहले क्या बोला रिपीट कर सकते हो? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. कुछ नहीं बोला सिर्फ H2O निकालने का बात बोला और कुछ नहीं. किसी का भी निकाल सकते हो H2O वो बोला. बोला H2O निकालना है बस में ये सर्कल लगा के दो यूनिट लिखा है और बीच से एक H2O निकाल दिया. रुको एक सर एक तीनों में से ना मतलब तीनों OH में सर सर हो गया ये मत नहीं नहीं सर नहीं एक मिनट बस अभी एक बचा डिस्कनेक्ट हो गया था. जियो लाइट्स बचा है वो भी देख लेते हैं अपन. जियो लाइट वो एनए कुछ था या भूल गया वो हार्ट परमानेंट हार्डनेस सर सर तो वाला वही है वो जियो लाइट और रेजिन. हां हां वो कट आयन एक्सचेंजर एंड आयन एक्सचेंजर वाला हो गया सर. अपने पास जियो लाइट अपन ने कहा यूज किया था परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं. कौन सा था अपने पास प्रोसेस परमानेंट Na2O Na2O Al2O3 SiO. अरे देख के बोलना गलत गलत क्यों बोल रहा है. एल्युमिनो सिलिकेट. अरे सर ये टॉपिक एल्युमिनो सिलिकेट लिखे अभी हां इसी के अंदर आ जाएंगे वो जियोलाइट्स. ठीक है करो F पर का लिख देना. हां उसके नीचे लिखना है. ठीक है मैं अब तक चिन्ह में देख के बोल रहा था. बताओ जियोलाइट का मैंने मना किया मैंने 4 लिखा गलती देख के भी गलत देख के भी गलत. अरे लिखा ही गलत है मैंने देखने के बाद भी तो सही बताएगा ना. एल कितना
2SiO2 XH2O देखना यहाँ पे एक्चुअली ये जो अपने पास होते हैं ना एल्यूमिनियम सिलिकेट कुछ ऐसा, इसमें क्या होता है थ्री डायमेंशनल का जो स्ट्रक्चर होता है अपने पास, एक लाइन लिख लेना आप लोग भी, इफ एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन मोनोऑक्साइड नहीं बोलता, सिलिकॉन डाइऑक्साइड दो ऑक्सीजन है ना, अरे मतलब पूछ रहा हूँ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे नहीं नहीं वैसे नहीं बनते ठीक है, टपकाने के लिए एक ही गैस होती है, क्या बोल रहे हो टपकाने के लिए एक ही गैस, ओवरऑल स्ट्रक्चर नोन एज एल्यूमिनो सिलिकेट SiO2 का स्ट्रक्चर याद है, SiO हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन कर देते हैं, चारों ऑक्सीजन क्या होते थे शेयरिंग में, ऑक्सीजन हो गया पॉलीमर है ना, ये यहाँ पे अब देखना नीचे भी इससे ऑक्सीजन लगा होगा कोई भी है यहाँ पे, एक को मैं ऐसे सर्कल कर देता हूँ समझने के लिए ना, इसके जगह पे क्या लगा देना आपको एल्यूमिनियम, तो जो बनेगा स्ट्रक्चर ना पॉलीमर फॉर्म में SiO हो गया, O हो गया, SiO हो गया, ऑक्सीजन O हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम लगा देते हैं ठीक है, इसके बदले जो भी यहाँ पे आ गया अब जो बना होगा उसको अपन क्या बोलते हैं सर, उस उधर ऊपर ओ है ना, ये ओ ए लो किस तरह बनाया अभी, बस ए लो, ये एल्युमिनियम है ना बस, ये सर ये जो लाल से ऊपर वाले आपने राइट में एक ऑक्सीजन आएगा ना, एक मिनट चलिए, मतलब सिलिकॉन हटा के बस आपको ऑक्सीजन लगाने सर, वो सारे एसआई में चार ऑक्सीजन होंगे ना अपने एक ही में बनाया, एल्युमिनियम के लगाना यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर नहीं देखते, बस सिलिकॉन के बदले में क्या आ जाते हैं एल्युमिनियम एटम, जो वो उसी पॉलीमर फॉर्म में बनता है उसी को क्या बोलते हैं अपन एल्युमिनियम सिलिकॉन जियोलाइट, सर दो मिनट ये नोट करने देना सर, ये ऊपर वाला एल जिसको सर्कल किया उसके ऊपर भी एक ओ आएगा ना, ऑक्सीजन आएगा नीचे भी आएगा, तो नीचे भी आएगा, दोनों रेड वाले पोजीशन पे बस एल्युमिनियम लगा देना आपको, हम बस वही बताना चाहते हैं, बाद में मेरा नाम डाल देते है, तू ही होता अभी भी, तू नहीं किया मैंने थोड़े किया, अच्छा नाम लिख गया तो शर्म ही नहीं है, चलो देख शर्म नहीं इस तो देखा ही नहीं कि नाम दिख रहा है बंद कर दिया टाइप्स ऑफ एल्युमिनियम सिलिकेट, एल्युमिनियम सिलिकेट जियोलाइट होता है ना, तो छोटा बोल तो बोलते हैं ना, वही बोलने वाला, सोडियम सिलिकेट से जियोलाइट होता है ना सर, नहीं वो जेड जियोलाइट होता है, अरे जेड जियोलाइट होता है ना, सोडियम तूने लगा दिया सोडियम जियोलाइट होता है, सोडियम तो तूने आगे लगाया Na2 तूने आगे एस लगा दिया तो प्लस होते हैं ठीक है, कौन-कौन से एफ ई फेल्ड सस और एक होता है जियोलाइट, ये आपने क्या लिखा है, ये कौन सा कोड है सर, सर वो Na2Z में वो Z जियोलाइट होता है, ऐसा होता है Z जियोलाइट होता है, आगे आपने सोडियम लगाया तो वो सोडियम
जियोलाइट हो गया। अभी पीयूष उसी बात पे हंस रहा था, अभी वही पूछ रहा है आपसे। अल्ट्रा मैरिन क्या है ये? पहले क्या लिखा है FE वाला? ये import dot json module नहीं है ना, वो वाला है ना। चलिए पहला क्या लिखा है आपने? फेल्डस्पार। चल हो गया। चलिए पहला क्या लिखा? पहला वाला क्या? ये पहले में तुम लोग L लिखा हुआ, क्या पढ़ोगे इसको तुम लोग? आप लोगों ने नाम बस किसका सुना था? जियोलाइट। जियोलाइट कभी सुने होंगे? नहीं सुने। जियोलाइट भी कुछ दिन पहले नहीं सुना था। चलो कोई नहीं, क्लास में और पी ब्लॉक का सेट करके आओगे आप। पंकज सर से पूछ लो कि रात को क्लास है कि नहीं। सर पूछ लो ना, पंकज सर अभी यहाँ है नहीं, तो तुम लोग मैसेज कर लो एक बार उनको। आवाज अच्छा ठीक है, वही तो अभी वो तुरंत निकल गए ना, वो बाहर गए अभी। ठीक है सर। अब राजकोट गए क्या? वो आए अभी जिम गए ना, यहाँ पे आए। ओके ठीक है सर, बाय सर।